धागे या पतंग का जैसे ही कुछ होता है तो मन में एक डर रहता है एक सहमस सहमस लगता है बस त्योहार आता है और धागा और पतंग के को देख के ही मेरे रूह खड़े हो जाते हैं ग्यारह जनवरी 2020 को मैं राजकुमार ब्रिज से अपने एसपी ऑफिस कार्यालय ड्यूटी के लिए आ रही थी इस दौरान जैसे ही मैं ब्रिज से नीचे उतरी एक धा मैंने हेलमेट पहन रखा था मुँह पे जैसे एक धागा मुझे समझ में नहीं आया मैं गाड़ी चला रही थी जैसे धागा आया वैसे मैंने उसको मुझे समझ में कुछ नहीं आया पर एकदम से मुझे धागा मेरा मुझे मेरे आँखों पर टच हुआ हेलमेट के ऊपर मैंने वो ऐसे ही पकड़ा इतने में मेरा वो धागा जो पतंग का था वो मेरे गर्दन में आ गया और जैसे ही आया मेरे सूझबूझ से मैंने उसको पकड़ लिया कि मुझे कैसे भी उस धागे को कंट्रोल करना था पर मेरा गर मेरा गला तो थो थोड़ा कटा लेकिन मेरे हाथ की उंगलियाँ पूरी कट गई थी और मुझे इतना इतना ब्लीडिंग हुई और इतना ज़्यादा वो हुआ कि वो धागा मुझसे कट भी नहीं रहा था फिर पब्लिक के लोगों ने वो धागे को काटा कोरोना के बाद में ये त्यौहार 2021 नई उम्मीद के साथ आया हुआ है हम सबको ये त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए लेकिन जैसे ही धागे या पतंग का जैसे ही कुछ होता है तो मन में एक डर रहता है कि मुझे इस चक्कर में हाईनेक पहननी पड़ती है ऑल टाइम अपना गले हेलमेट मास्क सब पहनना पड़ता है कि यार पत, धागा आ जाएगा कट जाएगा गला कुछ हो जाएगा अनहोनी हो जाएगी इसलिए मुझे डर लगता है एक सहमा सहमस लगता है पत बस त्यौहार आता है और धागा और पतंग के को देख के ही मेरे रूं में खड़े हो जाते हैं मुझे बहुत डर लगता है बस मेरी गाड़ी चलाने में कम और आस देखने में दिमाग ध्यान रहता है कि कहीं धागा ना आ जाए क्योंकि शहर में लगातार पतंगबाजी होती है और उससे पशु और पक्षी और जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि आए दिन ही घटना होती रहती है चाइना के डोर से हादसा हुआ था और ये इसको प्रतिबंध तो है ही लेकिन तब भी जो मार्केट में वो धागा मिल रहा है और लोग उसको खरीदते हैं और वो धागा बिल्कुल खुलेआम पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसको प्रतिबंध और इसको बंदी कर देना चाहिए क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप